आप सभी लोगों का स्वागत है हाईवे व्लॉग्स पे। तो दोस्तों, तो हम लोग अपना यहाँ से धामरा पोर्ट का माल लूट किए थे और तो हम लोग का दो दिन से गाड़ी जाम में फंसा हुआ था और बारिश हुआ था, इसी के कारण हम लोग का अपना गाड़ी भी लोड नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ था कि बारिश हो रहा था तो उसी के कारण जहाँ से गाड़ी डैम्प होता है, डैम्प से जहाँ से माल उठता है वहाँ पर बहुत चक्का स्लिप कर रहा था, तो इसी के कारण वहाँ पर लोडिंग बंद था। इसलिए दो दिन से हम लोग का भी अपना व्लॉग भी नहीं बना रहे और दो दिन से हम लोग का ये था गाड़ी, ये था दो दिन से खड़ा था। तो आज जा करके कल हम लोग का रात में निकले हैं गाड़ी का, तो वही अभी देखिए, तो अभी मॉर्निंग का वक्त हो रहा था, देखिए सूर्योदय जी को बहुत अच्छा लग रहा है और अभी कुहासा भी नहीं उतना यहाँ पे, ठीक है समुंदरी एरिया है ना, इसके कारण यहाँ पे उतना ज़्यादा आपको ये नहीं मिलेगा कुहासा। तो चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉपेज दिए क्योंकि हम लोग का यहाँ पे हम लोग का गाड़ी का ये हो गया है, क्या बोलते हैं, टायर पंचर हो गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं, टायर पंचर हो गया अभी। और चलिए, तो दोस्तों देखिए, तो हम लोग का टायर अभी खुल रहा है अपना, जो पंचर है टायर, जो वाला नट खोल रहे पहले टायर हम लोग का यहाँ पे पंचर अपना, टायर वायर भी हम लोग का खुल के रेडी हो चुका है। तो देखिए ये रहा टायर वायर खुल गया, मशीन था झटाझट खुल जाता मशीन से, और ये सब जुगाड़ उगाड़ है, बस अब टायर वायर खुलेगा उसके बाद सब कुछ हमारा फिटिंग उटिंग होगा। अभी क्या है कि हम लोग का जो टायर वाले हैं जो टायर बनाते हैं, देखिए चल गया वहाँ पे चंदा काटने के लिए गाड़ी वाले से, देखिए वहाँ खटखटा रहे गाड़ी से। और चलिए, तब तक हम लोग यहाँ टायर वायर भी खुल चुका है। टायर वायर सब हो गया था, बन गया था, फिट फाट हो गया था और उसमें इतना बड़ा लंबा से एक तो पत्ती घुस गया था छोटा सा, तो वही सब निकला उकला सब बना। तो हम लोग का वहाँ पे टायर बनाने में करीबन ले लिया पैसा आपका, वही कितना कम से कम नहीं भी तो 650 रुपये हम लोग का लग गया टायर बनवाने का। और तो अभी हम तो अपना नहा धो के फ्रेश व्रेश हो गया है, तो अभी जिस जगह पर भी हम रुके हैं वहाँ पर देखिए सामने एक तो ढाबा है, बलिया होटल है, देखिए वहाँ सामने में उसी जगह पर गया है बलिया होटल में, देखिए रहा बलिया होटल। तो ये बलिया होटल में जा करके हम अपना नहाना धोना जो करना था सब कर लिए, नहा धो के फ्रेश हो गया क्योंकि अब धामरा जा रहे हैं, तो धामरा का तो जाम तो आपको देखे ही आगे वाला ब्लॉग में काफ़ी भयंकर होता है, कम से कम 2-3-4 दिन लग जाता है। तो चलिए अच्छा, चलिए नहा धो भी लिए अपना सब, देखिए जो जगह पे सब कुछ को रखना तो सब भी हम अपना रख चुके हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग का प्रोग्राम बन रहा है कि पापा वहाँ होटल में भी खा रहे हैं रोटी सब्जी और हम यहाँ पर अपना दही बारा नाश्ता कर लिए तभी जा करके। तो चलिए, तो अब हो गया, तो अब बस अब अपने यहाँ सब अपना आगे का सफ़र काटने के लिए हम लोग अब तैयार है। चलिए गए, तो देखिए तो गाड़ी के यहाँ पे जाम नहीं लगा वो उतना, लेकिन इक्का दुक्का गाड़ी है, फाटक पहुँच ही गया है, बस 1/2 किलोमीटर यहाँ से फाटक है। तो उसी बीच में हम लोग अपना सारा राशन उसन लेके आ गए, देखिए तो ये रहा हम लोग का मूढ़ी ले लिया आज, और सोयाबीन और टमाटर ले लिया और चनाचूर ले लिया अपना। तो अभी क्या है कि टमाटर और सोयाबीन का सब्जी और अपना रोटी यहाँ पे अभी हम लोग अपना बना लेते हैं। तो चलिए फटाफट जाते हैं, पहले रोटी की तैयारी करते हैं, रोटी बनाते हैं। तो देखिए, तो अभी हम लोग अपना बनाने जा रहे हैं रोटी। तो ये देखिए, ये रहा हम लोग का रोटी, गरम गरम रोटी यहाँ पे हम लोग का बन रहा अपना। तो हम आपको जैसा बोले थे, तो हम अपने पापा के लिए अपने लिए रोटी बना लेते हैं पापा के लिए, और फिर हम अपने लिए भात बना लेंगे। तो इतना रोटी अभी हम बना चुके हैं, देखिए ये रहा इतना रोटी अभी हम बना चुके हैं, और ये भी रोटी अभी बन रहा है पक रहा, तो इसको भी थोड़ा होने देते हैं। तो हो रहा है क्या कि यहाँ पे बहुत जाम मिल जा रहा है, उसके कारण हम लोग को मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत जाम है, कम से कम नहीं भी तो बहुत लंबा जाम है एकदम। वो तो बोलो हम लोग का ये मतलब हो गया है, तो आ गया है थोड़ा यहाँ पे। तो चलिए ठीक हो भी, तो अपना रोटी वोटी तैयार हो रहा है। का एक्सपीरियंस है ना, इसलिए हम तो अभी जैसा तैसा रोटी बना दे रहे 4 कुट्टा, बस खाली हम कच्चा नहीं रहने देते हैं, बस वही है क्योंकि कच्चा नहीं खाना चाहिए और बाकी चारों तरफ कोना कोना पकना चाहिए रोटी का। अपना रोटी वोटी सब बन के तैयार हो चुका है, और अभी हम लोग अपना देखिए, तो यहाँ पे प्याज व्याज अपना काट लिए, टमाटर काट लिए, और 2 सोयाबीन का पैकेट ले लिए, और यहाँ तेल डाल दिए गर्म होने के लिए। तो तेल थोड़ा गर्म होगा, इसमें से थोड़ा धुआं हुआ निकलेगा, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग अपना सोयाबीन को डालेंगे। ये देखिए दोनों सोयाबीन को फाड़ के उसमें डालेंगे, भूज के इसमें निकाल करके, और थोड़ा पानी डाल के इसको फूलने देंगे जिससे कि स्वाद आए, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा सामान है नहीं, मिर्चा होना चाहिए, आलू होना चाहिए, तो सब है नहीं, और हम लोग को पता नहीं था तो हम लोग लिए भी नहीं, तो इसी कारण आज थोड़ा दिक्कत हो गया। तो जितना है उतने में कोशिश रहेगा बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा स्वाद वाला लेकर के बनाए।
ये तो देखिए, तो हम लोग अपना गैस भी गर्म, तेल भी गर्म हो गया है थोड़ा। नहीं देखिए, गैस का डिजाइन थोड़ा ना टेढ़ा है, कढ़ाई मेरा उस तरफ जा रहा है, इसको भी ठीक कराना होगा हम लोग को। चलिए वो भी करवाएंगे अपना। तेज पत्ता भी नहीं है, बहुत कुछ शॉर्ट है, पर जो है उसी में हम लोग मिला जुला के खा बना ले रहे हैं। रोटी तो बन गया, हम अपने लिए भात बना लेंगे, तो उसी समय काटना होगा। चलिए तो ये देखिए, हम अपना सोयाबीन को लाल करके पानी में डाल दिए, और ये देखिए अभी फूल रहा है, जिससे कि जो हार्ड पन है ना, देखिए नरम होना चाहिए। ये अपना टमाटर और ये प्याज डाल दिए लाल होने के लिए, तो प्याज हम लोग का फ्राई हो रहा है। तो बस अपना भगवान का नाम लेते हैं और खाना पीना का पूरा बढ़िया से तैयारी हो रहा है अपना। तो हर बार का होता है क्या है कि जैसे कि हम लोग कहीं बाहर कुछ सामान वामान लेने जाते हैं, तो हम लोग से ना जैसे 20 का सामान होता है तो हम लोग से लिया जाता है 30-25, मतलब ये थोड़ा हम लोग के साथ गलत हो जाता है गाड़ी लाइन में, माने ये हमको एकदम ठीक नहीं लगता। जैसे कि आज हम आइसक्रीम लिए तो सब जगह 20-20 बोल रहा था, हम भी 20 सोच के जा करके लिए, और वो हमको दे दिया है, वो बोलता है इसका आपको मिलेगा 30 रुपये। मतलब गाड़ी से उतरते हुए देखा तो मतलब वही है कि ड्राइवर लाइन से जो भी जुड़े रहते उनका उनको मतलब कि काफ़ी महंगा दाम मिल जाता है, वही सब ठीक नहीं लगता है। जो भी मेरी वीडियो देख रहे तो प्लीज़ ऐसा ना करे भैया, वो लोग भी अपना आते हैं, कमाते हैं, कुछ दो पैसा बचा के अपना भी घर ले जाना चाहते हैं, उनका भी परिवार होता है, तो बस ऐसा ना करे। तो चलिए तो देखिए, तो हम लोग का अपना यहाँ ये हो गया आपका पूरा फ्राई, ये भी प्याज भी थोड़ा थोड़ा चला देने पे क्या है कि ये सब ठीक ठीक होता है, नहीं चलाएंगे तो फिर दिक्कत होता है। तो फिर दोस्तों, तो फिर जो हम आपको बात बोल उस पर अमल हमेशा करें कि प्लीज़ उससे भी उनसे भी ना पैसा ले ज़्यादा, मतलब हाँ ले वाजिब ले, थोड़ा आप भी कमाएं, आप भी नहीं कमाएंगे तो कहाँ से चलेगा, पर उतना ज़्यादा भी ना ठगे कि जिससे कि वो भी बेचारा मजबूर होकर वो क्या करेगा आखिरी में, वो तो बाहर रहता अपना शहर से घर से, तो इसलिए वो मजबूरी में ले ही लेता है। चलिए कोई नहीं। चलिए तो देखिए, हम लोग अपना यहाँ पे डाल दिए है आपका, यहाँ पे देखिए मसाला वसाला डाल के अब इसको मिक्सिंग करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। फटक पार करके अपना अंदर घुस गए, तो आज रात भर पूरा लगेगा और हमको आज रात भर पूरा बाहर रहना होगा, तो इसलिए भी हम अपना देखिए तो ये चावल बना ले रहे हैं। तो ये देखिए चावल मेरा लगभग लगभग हो ही चुका है, बस डाले हो जाए तो बहुत जल्दी जल्दी अच्छा। और जो चालान लेने वाले आते हैं हम लोग के, वो चालान वाले भी आ चुके हैं, मतलब आ गए, आवाज़ दे के गए है, तो बस तो फिर वो भी आएंगे, हम लोग का चालान ले लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग का हो जाएगा ओके। फिर तब तक हम ये सोचिए फटाफट अपना खाना पीना खा लेते हैं, तो फिर हमको भूखा रहना होगा, तो फिर भूखा मतलब समझ रहे ना, बेचैनी अलग बेचैनी, नहीं भूखा नहीं रहेंगे खाना। फाइनली हम लोग अपना देखिए खाना पीना हो चुका है तैयार, तो काफ़ी गर्म इसलिए हमको आराम से हटाना पड़ रहा है, ये देखिए। तो ये हो गया हम लोग का भात, चलिए भात निकालते हैं पहले गरम गरम अपना थाली में। हमको लगा था कि ज़्यादा हो जाएगा पर ज़्यादा नहीं हुआ है, मिला पचा के हम लोग का भात हो ही गया है, सब कुछ ओके है, भात भी सब ओके है देखिए। चलिए तो खाते हैं फटाफट भात, थोड़ा रहने दे दे, कहीं मन करेगा तुम पापा खाने का तो खाएंगे। ये रहा हम लोग का तरकारी, जो हम लोग अपना निकाले भात और सब्जी। तो चलिए फटाफट अपना भात सब्जी खाते हैं, क्योंकि जब फिर गाड़ी अंदर घुस जाएगा तो हमको फिर भूखा रहना होगा, पापा के लिए तो यहाँ पे हो ही जाएगा खाना, पापा लेके खा सकते अपना, फिर हम नहीं खा पाएंगे, तो फटाफट खाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं।